पहले डॉक्टर कफील पर भड़काऊ भाषणबाजी के आरोप के बाद मुंबई से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जिसमें आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़ द्वारा एनएससी की कार्रवाई कर डॉक्टर कपिल की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी गई। इस मामले में एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने डॉक्टर कफील पर एनएसए की कार्रवाई के विरोध में अपने बोल बोलना शुरू कर दिए हैं। वही डॉक्टर कफील और शर्जील इमाम का फेवर करते हुए कहा गया कि इन लोगों पर जो कार्रवाई की गई है वह गलत है, जबकि दिल्ली में और अन्य राजनेताओं द्वारा तमाम तरह के भाषणबाजी की गई, उन पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। देखिए कि ये जो एनएसए लगाया गया, आज बेल हो गई थी, सुबह 7 बजे रिलीज हो रहे थे डॉक्टर कफील, आज उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया अंदर ही। यानी कि सरकार पर्सनल कोरोना से निकाल रही है। हेट स्पीच की बात कही जाए तो योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनके बहुत सारे एमपी एमएलए फिर जेल में के अंदर होंगे। मेरा कहना यह है कि डॉक्टर कफील के जिस बात को एनएसए लगाई गई, जिस बात पर लेकर मेरे ख्याल से उन्होंने शायद यही कहा था कि तमाम लोगों को इकट्ठा होकर इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर देखिए, जब जब सरकार सदन के अंदर, हाउसेज के अंदर अगर जो है विपक्ष की आवाज दबाती है तो आवाम सड़क पर आकर लड़ती है और लड़ती रही। एक कफील को आज आपने बंद किया है एनएसए में, 1000 कफील इसी देश के अंदर पैदा होंगे। 14 फरवरी